हेलो एवरीवन, मेवाड़ ई-नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ओबीजी नर्सिंग के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं परपीरियम पीरियड का पार्ट टू। जो परपीरियम पीरियड है डिलीवरी के बाद में 6 वीक या 42 डेज का, उसके अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं पार्ट टू। और मैं हूँ आपका दोस्त सुनील कुमार विष्णु, GNM थर्ड ईयर इंटर्नशिप से हूँ। डेली हमारी जो क्लास है मेवाड़ ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर 9 बजे लाइव आती है रात को। तो जिन जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वो जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हम एक नया इनोवेटिव लेकर आते हैं और ओबीजी नर्सिंग के अंदर डे बाय डे अपन एक नया इनोवेटिव लाकर आपके सामने यहाँ पर शो करते हैं। और हर क्लास आपको कुछ ना कुछ देखी जाती है और हमेशा की तरह एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आज भी एक थ्रोट है आपके लिए, बहुत अच्छा सा थ्रोट है। तो हम क्लास शुरू करें उससे पहले आप जल्दी से जल्दी जिन जिन लोगों ने कैरी ऑन कर लिया है वो लाइक कर दें, लाइक करने के बाद में शेयर जरूर करें। तो लाइक इट देन शेयर इट, तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। ओके फाइन, हम आज की क्लास को कैरी ऑन करेंगे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। बहुत अच्छी, बहुत सटीक यहाँ पर लाइन है कि खोल दे मेरे पंख, ऐसा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी मेरी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, मेरी भी जमीन मंजिल नहीं है, अभी तो पूरा आसमान छूना बाकी है, मतलब आसमान में जाना बाकी है। मतलब सोच ऐसी रखो, बहुत ऊपर वाली सोच कि मेरे पंखों को खोल दो, अभी मेरी उड़ान बाकी है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम आज की क्लास को कैरी ऑन करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेवाड़ ई नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन थ्योरी वीडियो कोर्स अवेलेबल है। तो आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा, जो कि अभी रन कर रहा है कोर्स, अभी पूरा हुआ नहीं है, ओबीजी नर्सिंग का कोर्स चल रहा है और अगर माने तो 40% कोर्स ओबीजी नर्सिंग का हो चुका है, 40% कोर्स ओबीजी नर्सिंग का हो चुका है। तो वो सारे के सारे वीडियो आपको 26 वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं और वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्लास को भी लाइक करें, शेयर करें देन सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल थॉट था। इसी के साथ में हम आज की क्लास को कैरी ऑन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट छोटा सा एक इंट्रोडक्शन के रूप में है, पोस्ट नेटल केयर। अपन पढ़ रहे हैं परपीरियम का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर पोस्ट नेटल केयर पेशेंट को दी जाती है। और पोस्ट नेटल केयर क्या होती है कि आफ्टर डिलीवरी जो केयर दी जाती है उसी को बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर, और पोस्ट नेटल केयर परपीरियम पीरियड के दौरान दी जाती है। तो ये कौन कौन सी होती है, तो पहले इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं। तो टोटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड आफ्टर डिलीवरी इट्स कॉल्ड पोस्ट नेटल केयर, कि मदर की और चाइल्ड की जो टोटल केयर की जाती है, टोटल का मतलब सराउंड पूरे का पूरा ऑल केयर आ गई, उसके ब्रेस्ट से रिलेटेड केयर आ गई, फीडिंग से रिलेटेड केयर आ गई, उसकी क्लीनिंग से रिलेटेड केयर आ गई, सारी पेरिनियम केयर आ गई, वेजाइनल केयर, सारी की सारी केयर आ गई। वो सारी की सारी केयर किसमें आती है, पोस्ट नेटल केयर के अंदर इंक्लूड की जाती है। अब है कॉम्प्लिकेशन ऑफ परपीरियम। परपीरियम जो पीरियड होता है उसके अंदर क्या क्या अपन को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर शॉर्टली। तो परपीरियम पायरेक्सिया कॉम्प्लिकेशन के अंदर अगर अपन देखें तो सारी का सारा डिजीज पोर्शन है, मतलब परपीरियम पायरेक्सिया ये भी एक प्रकार की डिजीज है। तो डिजीज
पोर्शन जिस प्रकार से अपन पढ़ते हैं उसी प्रकार आज की हमारी क्लास होगी और बहुत सारी डिजीज है इसके अंदर, ठीक है। तो आज की जो हमारी पहला जो डिसऑर्डर है वो है परपिरियम पायरेक्स है। और परपिरियम पायरेक्स से क्या होता है मैं बता दूं, परपिरियम का अर्थ सबको पता है कि परपिरियम जो डिलीवरी के 6 वीक बाद, डिलीवरी के बाद 6 वीक तक का जो पीरियड है वह परपिरियम में आता है। और पायरेक्सिया का अर्थ सबको सिंपल पता ही होगा कि टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मली वो 100 डिग्री फॉरेनहाइट से बढ़ जाना होगा। तो यहाँ पर पहली लाइन है परपिरियम पायरेक्सिया के अंदर, आफ्टर डिलीवरी वुमन्स टेम्परेचर इज 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट। तो सिंपल सी लाइन है यहाँ पर कि 100 डिग्री 100 से भी ज्यादा, मतलब 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट इसमें एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट्स कंडीशन इज कॉल्ड परपिरियम पायरेक्सिया। और यह कंडीशन क्या कहलाती है? परपिरियम पायरेक्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब है कॉजेस, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं परपिरियम पायरेक्सिया के। पहला है परपिरियल सेप्सिस। परपिरियल सेप्सिस की वजह से भी हो सकता है, मतलब परपिरियम का जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर किसी वजह से, तो उसको बोलते हैं परपिरियल सेप्सिस। उसकी वजह से हो सकता है ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट, यानी ब्रेस्ट का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा किसी डिजीज के कारण, उसकी वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन हो पहले से, मतलब सीजेरियन सेक्शन के कारण जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी ये परपिरियम पायरेक्सिया अपन को देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर अगर इन्फेक्शन होगा तो अपन को, मतलब कन्फर्म है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इनकी वजह से क्या होगा, फीवर आएगा पेशेंट को, तो इसी वजह से पायरेक्सिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है। टीबी हो सकता है, अगर किसी वुमन को टीबी है वो प्रेग्नेंट है तो उसमें भी फीवर आ सकता है। मास्टाइटिस यानी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का जो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं मास्टाइटिस, इसकी वजह से हो सकता है। पल्मोनरी इन्फेक्शन यानी किसी भी प्रकार का अगर लंग्स डिसऑर्डर या इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है। पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है, उनकी वजह से भी हो सकता है। मलेरिया के कारण भी फीवर आ सकता है। तो कॉजेज यहीं तक थे। अब है मैनेजमेंट, क्या क्या अपन मैनेजमेंट इसके अंदर करते हैं। मॉनिटर रेगुलर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को रेगुलर मॉनिटर करना, एंड इन कंडीशन ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर देन स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो अपन को स्पेसिफिक केयर देनी है, और स्पेसिफिक केयर के अंदर क्या क्या करना है अपन को, कोल्ड स्पंजिंग देनी है सबसे पहले, एंटीबायोटिक देना है उसको क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है, एंटीपायरेटिक देना है क्योंकि पायरेटिक क्या करता है, फीवर को रिड्यूस करता है, तो पायरेक्सिया के अंदर एंटीपायरेटिक दी जाती है जैसे पीसीएम। और फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वो है, इम्बेलेंस है वो मेंटेन करना। तो मैनेजमेंट यहाँ पर सिंपल सा है। अब आता है परपिरियल सेप्सिस, पहला था परपिरियम पायरेक्सिया, अब है परपिरियल सेप्सिस। तो दूसरी डिजीज है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है अभी, इन्फेक्शन इंटो जनरेटर ट्रैक। जनरेटर ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन होना परपिरियल सेप्सिस कहलाता है, और इट इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ परपिरियम। यह परपिरियम का कॉम्प्लिकेशन है, परपिरियम पीरियड के अंदर यह कॉम्प्लिकेशन है, मेनली होता ही होता है परपिरियल सेप्सिस, बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। कॉजेज इसके, ड्यूरिंग लेबर इंटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू वेजाइना। जब लेबर होता है उसके दौरान वेजाइना के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर देते हैं, उसकी वजह से परपिरियल सेप्सिस होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। माल न्यूट्रिशन या एनीमिया, इसके कारण भी परपिरियल सेप्सिस हो सकता है। प्रीटर्म लेबर, अगर प्रीटर्म लेबर हुआ है उसकी वजह से हो सकता है। PROM, इसका अर्थ होता है प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो प्रोलॉन्ग का अर्थ होता है मतलब बाद में रप्चर करना, प्रोलॉन्ग यानी बहुत समय बाद रप्चर करना। और प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन के रप्चर होने से पहले ही अपन उसको रप्चर कर रहे हैं। रिपीटेड पीवी यानी बार बार
परवेजाइनल एग्जामिनेशन करना, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। ट्रॉमा ड्यूरिंग लेबर ट्रॉमा हो जाना, ऑपरेटिव डिलीवरी या LSCS हो सकता है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। और PPH, PPH का अर्थ होता है पोस्ट पार्टम हेमरेज, इसकी वजह से भी देखने को परपुरियल सेप्सिस देखने को मिल सकता है। रिटेन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का कोई पार्ट अगर यूट्रस के अंदर रिटेन है, मतलब रह गया है अंदर, उसकी वजह से भी परपुरियल सेप्सिस देखने को मिल सकता है। अब ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किन किन वे के द्वारा ये ट्रांसफर हो सकता है, कौन कौन से मोड है इसके, GI tract के द्वारा हो सकता है, प्लेसेंटल साइड जो प्लेसेंटा है वहाँ उसके द्वारा हो सकता है, सेजेरियन सेक्शन के द्वारा हो सकता है। तो इन्फेक्शन है वो 3 टाइप से हो सकते हैं, पहला GI tract से हो सकता है, दूसरा प्लेसेंटल साइड से हो सकता है, और तीसरा है आपका सेजेरियन सेक्शन। अब है प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की जो प्राइमरी साइट है वो क्या क्या है, पेरिनियम से हो सकता है, वेजाइना से हो सकता है, यूट्रस से हो सकता है। मतलब प्राइमरी साइट कहाँ कहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिनियम में हो सकता है, वेजाइना में हो सकता है, और यूट्रस के अंदर हो सकता है। अब है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का स्प्रेड, पेल्विक एरिया में हो सकता है इन्फेक्शन स्प्रेड, फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्प्रेड हो सकता है, ओवरी के अंदर हो सकता है, साल्पिंजाइटल, सेप्टिसेमिया और ऑफराइटिस, इंफ्लामेशन ऑफ ओवरी, और ब्लड, ब्लड के द्वारा भी स्प्रेड इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है। साइन एंड सिम्टम, अब क्या क्या अपन को साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर, पहला है इन लोकल इन्फेक्शन, लोकल इन्फेक्शन के अंदर अपन को क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर अपन को बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। इन्फेक्शन इन वुंड, वुंड के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, पस फॉर्मेशन हो सकता है, पेन वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, लोकल इन्फेक्शन के रूप में टेम्परेचर बढ़ सकता है, इन्फेक्शन इन वुंड के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, पस फॉर्मेशन हो सकता है, दर्द होगा या पेन होगा। अब है यूटेराइन इन्फेक्शन, परपुरियल सेप्सिस के अंदर 3 होते हैं, लोकल इन्फेक्शन, यूटेराइन इन्फेक्शन, दूसरा है यूटेराइन इन्फेक्शन, और उसके अंदर अपन को क्या क्या देखने को मिलता है साइन सिम्टम, पायरेक्सिया, पायरेक्सिया यानी फीवर वाली कंडीशन, टेम्परेचर थोड़ा हाई मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, फिशी स्मेल, सॉरी टैकीकार्डिया हो सकता है, पल्स रेट बढ़ जाएगी। एक चीज मैं बता दूं, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स रेट हमेशा बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है तो पल्स रेट भी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स रेट बढ़ेगी। नहीं बोलते किसी को गुस्सा आता है तो गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद में उसकी पल्स रेट, धड़कन वगैरह सब बढ़ जाती है, ठीक है, पसीना आता है गर्म होने पर, तो पायरेक्सिया वाली कंडीशन के अंदर पसीना आता है और हार्ट रेट बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, तो याद रखना। फिशी स्मेल आएगी यूटेराइन इन्फेक्शन के अंदर, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, सब इन्वोल्यूशन होगा, मतलब जो एनाटोमिकल पोजीशन है वहां पर नहीं आ पाएंगे यूटेराइन, जो भी यूट्रस है, वेजाइना है, पेरिनियम है, वो यूट्रस इन्फेक्शन हो सकता है, लोकिया डिक्रीज होने की वजह से यूटेराइन इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि लोकिया प्रोटेक्टिव या सेप्टिक का वर्क करता है। अब है इन्फेक्शन स्प्रेड, तो तीसरा था, पहला था यहाँ पर इन लोकल इन्फेक्शन में क्या क्या साइन सिम्टम, फिर यूटेराइन इन्फेक्शन में क्या क्या साइन सिम्टम, और अब है इन्फेक्शन स्प्रेड, इन्फेक्शन जब स्प्रेड होता है तब क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, पेल्विक टेंडरनेस आएगी, पेल्विक पेरिटोनाइटिस होगा, टेंडरनेस इन फॉर्निक्स, फॉर्निक्स वाला एरिया है वहां पर टेंडरनेस होगा, और पैरामास्टाइटिस का सीधा और सिंपल सा मेन है इंफ्लामेशन इनटू यूटेराइन पेरिमेट्रियम, पेरिमेट्रियम जो यूटरस की जो लेयर होती है उसके अंदर इंफ्लामेशन होना पैरामास्टाइटिस कहलाता है। पैरामास्टाइटिस क्या होता है, इंफ्लामेशन इनटू
यूटराइन पेरिमेट्रम, पेल्विक पेन, पेल्विक पेन होगा, चिल्स एंड राइगर वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, मतलब उसको ठंड लगेगी, ठंड लग के बुखार आएगा, सेप्टिक शॉक भी लग सकता है। तो यहाँ तक थे यहाँ पर साइन सिम्टम, इसके बाद में परपीरियल सेप्सिस के डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, सिंपल से हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, यूरिन एंड ब्लड का टेस्ट करना है, यूरिन ब्लड टेस्ट करना है, यूरिन का टेस्ट भी करना है, देन ब्लड टेस्ट करना है उसका, पेल्विक एक्सरे उसका कंडक्ट करना है, और यूएसजी करनी है। यूएसजी का अर्थ होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, ये उसका कंडक्ट करना है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की बात करें तो सिंपल सा है, एंटीबायोटिक दे सकते हैं अपन, जेंटामाइसिन दे सकते हैं, सिफोटॉक्सिम दे सकते हैं, क्लेंडामाइसिन दे सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। बहुत ही कॉमन ड्रग है जेंटामाइसिन, सिफोटॉक्सिम, क्लेंडामाइसिन, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक है। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक के अंदर अपन, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, परपीरियम जो पीरियड होता है तो उसके पहले डिलीवरी वाला जो पीरियड होता है, प्रेगनेंसी वाला, उसके अंदर अपन कोई भी टेबलेट देते हैं तो उसके अंदर डॉक्टर की परमिशन लेनी होती है, परपीरियम में भी लेनी होती है। लेकिन अपन बहुत सारे ड्रग परपीरियम पीरियड के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा के क्रॉस करने का कोई खतरा नहीं रहता है यहाँ पर, क्योंकि डिलीवरी हो चुकी है ऑलरेडी। तो एनाल्जेसिक अपन दे सकते हैं, डाइक्लोफेनिक दे सकते हैं, साइक्लोफेनिक दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक के अंदर पीसीएम दे सकते हैं उसको। एंटासिड के रूप में अपन एम्ब्रोक्सोल, अपन वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वाला दे सकते हैं एंटासिड, फ्लूड प्रोवाइड, फ्लूड की भी उसको प्रोवाइड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है असेप्टिक टेक्निक का यूज करना है, स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक का यूज करना है, स्टेराइल टेक्निक अपनाना है पूरी की पूरी, और उसकी केयर करनी है इस प्रकार से। अब है सर्जिकल मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट भी। लेप्रोटोमी, लेप्रोटोमी भी कर सकते हैं परपीरियल सेप्सिस के अंदर। साल्पिंजेक्टोमी, यानी अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंफ्लामेशन या इन्फेक्शन हो चुका है तो अपन साल्पिंजेक्टोमी भी कर सकते हैं, मतलब फेलोपियन ट्यूब को पूरा का पूरा रिमूव करना। स्टेरेक्टोमी, यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर आप ध्यान दें, जो ये मैंने जो थर्ड वाला जो लाइन लिखा है स्ट्रेक्टोमी, स्ट्रेक्टोमी नहीं है यहाँ पर, इसको काट दीजिएगा, और यहाँ पर इसको काट दीजिएगा, ये लाइन गलत है, यहाँ पे है, यहाँ पे है हिस्टेक्टोमी। क्या है हिस्टेक्टोमी? हिस्टेक्टोमी का अर्थ होता है यूट्रस को रिमूव करना, यूट्रस को बाहर निकालना। अगर यूट्रस के अंदर इंफ्लामेशन या इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको बाहर निकालना हिस्टेक्टोमी कहलाता है, और अपन को हिस्टेक्टोमी यहाँ पर लिखना है, एस्ट्रेक्टोमी नहीं है, याद रखना एस्ट्रेक्टोमी नहीं है, हिस्टेक्टोमी है यहाँ पर। तीसरी जो लाइन है वहां पर हिस्टेक्टोमी है, याद रखना क्या है हिस्टेक्टोमी। अब है सब इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन का अर्थ मैंने पहले बता दिया प्रीवियस क्लास में, कि जो यूट्रस हुआ, वेजाइना हुआ, पेरिनियम हुआ, सारे के सारे जो वेजाइन जो ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी हुआ, फेलोपियन ट्यूब हुआ, सारे के सारे फंडस वाला पार्ट हुआ यूट्रस का, बॉडी हुआ, तो सारे के सारे अगर नॉर्मल एनाटोमिकल पोजिशन में नहीं आते हैं तो उसको बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। और उसी के अंदर अपन पढ़ेंगे इन दिस स्टेज इन्वोल्यूशन प्रोसेस एब्सेंट, मतलब इन्वोल्यूशन इसके अंदर नहीं होगा, एब्सेंट रहेगा, लेस नॉर्मल इज कॉल्ड, या इन्वोल्यूशन होगा लेकिन कम होगा, नॉर्मल से कम होगा, मतलब धीरे धीरे होगा, तो उसको बोलेंगे सब इन्वोल्यूशन। क्या बोलेंगे अपन इस पूरे पूरे प्रोसेस को, क्या बोलेंगे सब इन्वोल्यूशन। या तो इन्वोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, या होगा तो धीरे धीरे होगा, लेस होगा, कम होगा। When, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है बहुत सिंपल सी है, when involution process is impaired, retarded,
टर्म एज सब इन्वोल्यूशन, मतलब जब इन्वोल्यूशन प्रोसेस इम्पेयर्ड हो जाती है, रिटार्डेड हो जाती है, तो इस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, सब इन्वोल्यूशन। रीजन क्या क्या, मतलब रीजन हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं सब इन्वोल्यूशन के, ग्रेट ग्रांड मल्टीपेरा। ग्रेट ग्रांड मल्टीपेरा का अर्थ सबने पढ़ा होगा, ग्रांड 5 और ग्रेट का मतलब 7। 7 बेबी से भी अगर ज्यादा बेबी अगर उसके लाइव बर्थ हो जाते हैं या बर्थ हो जाते हैं कुल मिलाकर, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रांड मल्टीपेरा और ग्रेटर देन 35 ईयर वुमन, और वह वुमन होनी चाहिए 35 साल से ज्यादा, तो उसके अंदर भी यह सब इन्वोल्यूशन वाली कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि बार बार प्रेग्नेंट होगी, बार बार यूट्रस उसका मतलब बिल्कुल खराब हो जाएगा, और यूट्रस के खराब होने के कारण क्या होगा, यूट्रस का सब इन्वोल्यूशन नहीं हो पाएगा, और तो ज्यादा बार प्रेग्नेंट होना भी मतलब घातक है, हार्मफुल है। ट्विंस प्रेगनेंसी, ट्विंस का अर्थ होता है मतलब जुड़वा बच्चे होना, उसकी वजह से भी हो सकता है। पॉलीहाइड्रोमिनोज यानी एमनियोटिक फ्लूड है नॉर्मल से ज्यादा होना, यह कंडीशन भी हो सकती है। सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन के अंदर भी इन्वोल्यूशन धीरे धीरे होता है, यानी सब इन्वोल्यूशन वाली कंडीशन देखने को मिलती है। यूटेराइन प्रोलैप्स, यूटेराइन अगर यूट्रस बाहर आ चुका है तो अपन को मेंटेन उसका जो सब इन्वोल्यूशन है उसमें टाइम लगेगा। यूटेराइन फाइब्रॉइड, अगर यूट्रस के अंदर कुछ कोई फाइब्रॉइड वगैरह है तो उसमें भी टाइम लगेगा। एनीमिया, एनीमिया के अंदर भी, और रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का जो शेप है वो रेट्रोवर्जन है, उसमें भी अपन को टाइम लगता है, सब इन्वोल्यूशन देखने को मिलता है। रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, और कुछ प्रोडक्ट कंसेप्शन का अंदर अगर रह गया है उसकी वजह से भी सब इन्वोल्यूशन इम्पेयर्ड होता है, उसकी वजह से भी धीरे धीरे इन्वोल्यूशन होता है। तो आपको वापस मैं बता दूं एक एक करके कि सब इन्वोल्यूशन के क्या क्या रीजन है। पहला था ग्रेट ग्रांड मल्टीपेरा, 35 साल से ज्यादा की वुमन, ट्विंस प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोमिनोज हो सकता है, सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, यूटेराइन प्रोलैप्स हो सकता है, यूटेराइन फाइब्रॉइड हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, रेट्रोवर्जन ऑफ युद्ध यूट्रस हो सकता है, रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हो सकता है। अब है साइन एंड सिम्टम, क्या क्या अपन को साइन सिम्टम सब इन्वोल्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो परपीरियम के यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं अपन, पहला था परपीरियम पायरेक्शिया था, उसके बाद में अपन ने पढ़ा परपीरियल सेप्सिस, अब है सब इन्वोल्यूशन, फिर आएगा ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शॉर्ट स्वीट है। एबनॉर्मल लोकियल ब्लीडिंग, अपन को एबनॉर्मल लोकियल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, रेगुलर ब्लीडिंग भी हो सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, पीपीएच हो सकता है, तीनों के तीनों फैक्टर को रिलेट करते हैं, अपन सबको पता है। एबनॉर्मल लोकियल ब्लीडिंग होगी या रेगुलर ब्लीडिंग होगी या ज्यादा ब्लीडिंग होगी, अपन पीपीएच ही काउंट करते हैं, और पीपीएच की वजह से भी यह हो सकता है। साइन सिम्टम पीपीएच देखने को मिल सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन यह हो सकता है, हैवी वेट फील इन लोअर एब्डोमिन, और लोअर एब्डोमिन के अंदर उसको ज्यादा वेट फील होगा, मतलब वजन ज्यादा लगेगा। अब आता है सब इन्वोल्यूशन का मैनेजमेंट, अगर सब इन्वोल्यूशन वाली कंडीशन अपन को देखने को मिलती है तो अपन क्या क्या कर सकते हैं। पहला है आइडेंटिफाई सुटेबल कॉजेस, जो सुटेबल कॉजेज है उसको आइडेंटिफाई करना है। एक्सप्लोरेशन, क्लीनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस की क्लीनिंग करनी है, यूटेराइन मसाज करनी है, गिव इर्गोमेट्रिन 0.2 mg, इर्गोमेट्रिन उसको देना है, यानी मिथार्जिन, मिथार्जिन जो इंजेक्शन आता है उसकी को बोलते हैं इर्गोमेट्रिन, 0.2 mg उसको देना है, और रिजल्टिंग इसके द्वारा क्या होगा, सब इन्वोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, सब इन्वोल्यूशन की जो प्रोसेस है वह स्टार्ट हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी।
सब इनोलेशन जल्दी सॉरी इनोलेशन है वो जल्दी हो जाएगा। एंटीबायोटिक देनी है डॉक्टर की परमिशन से अपन को पेशेंट को। अब है बहुत ही अच्छा टॉपिक है ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, बहुत सारे सारे इसमें देखे दिए गए हैं। तो पहला है ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट, ब्रेस्ट के साइज का बढ़ जाना, क्रैक्ड एंड रिट्रैक्टेड निपल। यहाँ पे है, यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक है यहाँ पर, आई एम सॉरी, क्योंकि क्लास बनाने में टाइम बहुत लगता है तो कुछ मिस्टेक हो सकती है और वो मिस्टेक मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता भी जाता हूँ साथ में के साथ में। ऐसा नहीं कि वो मिस्टेक मिस्टेक ही रहती है। यहाँ पे है के, ये याद रखना, यहाँ पे है क्या है के, तो यहाँ पे लिखा है क्रैक्ड निपल एंड रिट्रैक्ट निपल, क्रैक्ड एंड रिट्रैक्ट। अब है मस्टाइटिस, मस्टाइटिस हो कि मस्टाइटिस ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन के रूप में। लैक्टेशन फेलियर, यानी लैक्टेशन फेलियर भी हो सकता है। और ये सारे के सारे चारों के चारों पैरामीटर अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे इसी क्लास में ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन के अंदर। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक नहीं थी। ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट पहला अपना टॉपिक है, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट इट इज ए एबनॉर्मल स्टेज। तो यह एक प्रकार की एबनॉर्मल स्टेज होती है। शो ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट कंडीशन इन थर्ड एंड फोर्थ फेज ऑफ परपीरियम पीरियड। परपीरियम का जो थर्ड एंड फोर्थ फेज होती है उसके अंदर अपन को ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ब्लड लिम्फ एंड मिल्क कलेक्ट एक्सेसिव अमाउंट इन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, लिम्फ कलेक्ट हो जाएगा, मिल्क भी कलेक्ट हो जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में, रिजल्टिंग डेवलप लैक्टेशन फेलियर कंडीशन। और इसके कारण क्या होगा, लैक्टेशन फेलियर वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। एंड डोंट प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग, और बेबी है वह प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा। और यह कंडीशन क्या कहलाती है, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। अब ये सिम्टम, अपन को क्या क्या सिम्टम ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है यहाँ पर पेन इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर पेन होगा, हैवी वेट फील इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में उसको ज्यादा भारीपन लगेगा। ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड हार्डनेस, टेंडर हो जाएंगे ब्रेस्ट और हार्ड हो जाएंगे बिल्कुल। पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पेन होगा उसको। स्किन ऑफ ब्रेस्ट शाइनी एंड हार्ड, ब्रेस्ट की जो स्किन है वो शाइनी हो जाएगी, चमकीली हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। वेन क्लियर हो जाएगी, जो ब्रेस्ट है वहाँ पर जो वेन्स है अंदर, वो वेन सारी की सारी क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाएगी। ये सारे के सारे ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के सिम्टम्स है। अब आता है मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट का। पहला है आफ्टर बर्थ स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 30 मिनट या आधे घंटे के, आधे घंटे का हाफ आवर के अंदर अपन को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के आधे घंटे में अपन को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। तो आधे घंटे में यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। रेगुलर फीडिंग बोथ ब्रेस्ट, और दोनों ब्रेस्ट से रेगुलर फीडिंग अपन को, मदर को एजुकेट करना है कि वो दोनों ब्रेस्ट से फीडिंग करवाए बच्चे को। रिटेंड मिल्क प्रेजेंट देन मैनुअल रिमूव, अगर ब्रेस्ट फीड करने के बाद में भी अगर कुछ मिल्क ब्रेस्ट के अंदर बच गया है तो उसको मैनुअली रिमूव करना। मैनुअल का अर्थ होता है आर्टिफिशियल मेथड से, आर्टिफिशियल मेथड या अपने हैंड से भी कर सकते हैं, और क्या कुछ ब्रेस्ट शक्कर आता है उसके से भी अपन रिमूव कर सकते हैं। बिफोर फीडिंग हॉट एप्लीकेशन अप्लाई, और फीडिंग से पहले हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि जो मिल्क का एजुकेशन है वो अच्छे से हो सके और इजी हो सके। यूज एनाल्जेसिक, अगर पेन वाली कंडीशन है तो एनाल्जेसिक देना है पेशेंट को। सुटेबल ब्रा का यूज करने के लिए एडवाइस करना है। यूज ब्रेस्ट सकर, ब्रेस्ट सकर का यूज भी कर सकते हैं अपन।
ये है मैनेजमेंट, बहुत सिंपल सा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है दूसरी कंडीशन अपने पास आती है, क्रैक्ड एंड रिट्रैक्टेड निपल। पहला है क्रैक्ड एंड रिट्रैक्टेड निपल। क्रैक्ड निपल स्किन रिजल्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल, मतलब क्रैक्ड निपल वाली जो स्किन हो जाएगी तो ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल हो जाएगी, क्रैक यानी फट जाती है, क्रैक हो जाती है, या रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट यानी स्किन बिल्कुल दरारें पड़ जाती है स्किन के अंदर। कॉजेस, डिस्ट्रॉय अपर स्किन ऑफ निपल, निपल की जो अपर स्किन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके कारण भी अपने को क्रैक्ड या रिट्रैक्ट निपल की कंडीशन देखने को मिलती है। क्रैकिंग ऑफ निपल, निपल की क्रैकिंग हो जाती है ड्यूरिंग फीडिंग बाय बेबी इंजर्ड निपल, और बेबी के द्वारा इंजर्ड किया जाता है जब वो काट लेता है, फीडिंग के दौरान भी बेबी के द्वारा इंजर्ड कर सकता है, बेबी इंजर्ड कर सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन भी जिम्मेदार हो सकता है। अब है क्रैक्ड एंड रिट्रैक्टेड निपल होता है उसके मैनेजमेंट, अपन क्या क्या मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं यहाँ पर वो सारे। पहला है राइट पोजिशन ऑफ बेबी ड्यूरिंग फीडिंग, फीडिंग के दौरान बेबी को राइट पोजीशन प्रोवाइड करनी है। रेगुलर फीडिंग एंड रेगुलर ब्रेस्ट केयर, रेगुलर फीडिंग भी देनी है और रेगुलर ब्रेस्ट केयर भी करनी है। दो, मॉइस्चराइज निपल और निपल को नम बनाए रखना है, मॉइस्चराइज बनाए रखना है निपल को, यूज एंटीबायोटिक क्रीम और एंटीबायोटिक क्रीम का यूज करना है। इफ क्रैकिंग निपल कंडीशन हैज बीन लॉन्ग टाइम देन कंसल्ट टू डॉक्टर, अगर क्रैकिंग निपल वाली जो कंडीशन है वो लॉन्ग टाइम तक बनी हुई है, बहुत लंबे समय से अपन को देखने को मिल रहा है ये कंडीशन है, तो अपन को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब है मस्टाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है ये भी मस्टाइटिस, और अब आता है सिंपल सा टॉपिक है मस्टाइटिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इंफ्लेमेशन इनटू ब्रेस्ट दैट इज कॉल्ड मस्टाइटिस, ब्रेस्ट का जो इंफ्लेमेशन या इन्फेक्शन है उसको अपन बोलते हैं मस्टाइटिस। एटियोलॉजी, क्या क्या कारण हो सकते हैं मस्टाइटिस के, लॉन्ग टाइम अगर क्रैकिंग निपल वाली कंडीशन है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया है तो उसकी वजह से मस्टाइटिस होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। डर्मेटाइटिस, या डर्मेटाइटिस का अर्थ होता है इंफ्लेमेशन या इन्फेक्शन इनटू डर्मिस लेयर, इनकी स्किन की जो डर्मिस लेयर होती है उसके अंदर कुछ इंफ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से भी मस्टाइटिस देखने को मिलता है। ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट हो चुका है उसकी वजह से भी ब्रेस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होते हैं सबको पता ही है, अब आते हैं मस्टाइटिस के सिम्टम, क्या क्या सिम्टम अपन को मस्टाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। पहला है रेडनेस इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर अपन को रेडनेस देखने को मिल सकती है। स्वेलिंग इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। पेन इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर पेन हो सकता है। टेंडरनेस इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस हो सकता है, खिंचाव हो सकता है। पस फॉर्मेशन इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर पस का फॉर्मेशन होना या इकट्ठा होना क्या कहलाता है। ब्रेस्ट एब्सिस, ब्रेन में पस इकट्ठा होता है तो ब्रेन एब्सिस बोलते हैं। लंग्स में पस इकट्ठा होता है तो लंग्स एब्सिस बोलते हैं। रेनल यानी किडनी के अंदर पस इकट्ठा होता है तो रेनल एब्सिस बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रेस्ट के अंदर अगर पस इकट्ठा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट एब्सिस। और एक चीज और बता दूं मैं, ब्रेस्ट का इंफ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं मस्टाइटिस। ठीक उसी प्रकार ब्रेस्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है, मस्टेक्टोमी। याद रखना मस्टेक्टोमी क्या होता है, ब्रेस्ट को रिमूव आउट करना। हैवी फीलिंग इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में भारीपन लगेगा। पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर पेन होगा मदर को। और रेस्टलेसनेस, बेचैनी होगी मदर को, फीवर आएगा मदर को, एंग्जाइटी हो सकती है।
एनोरेक्सिया हो सकता है, ये वाली कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है। अब आता है मैनेजमेंट। तो अपन क्या क्या मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं इसके अंदर, पहला है मेंटेन बेबी पोजीशन ड्यूरिंग फीडिंग, फीडिंग के दौरान बेबी की जो पोजीशन है उसको मेंटेन करना, ठीक है, ये अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ क्रैक्ड निप्पल, जो क्रैक्ड निप्पल है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉलो अप पोस्टनेटल विजिट, पोस्टनेटल विजिट कर सकते हैं अपन, उसको फॉलो कर सकते हैं, मतलब जो अपन को हॉस्पिटल से बताया फॉलो अप केयर के रूप में, पोस्टनेटल विजिट कौन कौन सी कितनी बार क्या करनी है, वो सारी की सारी पोस्टनेटल विजिट अपन को करनी है। हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर फिटिंग, फिटिंग से पहले भी अपन को हैंड वॉशिंग करनी है, मदर को एजुकेट करना है कि फिटिंग से पहले भी हैंड वॉशिंग करें, फिटिंग के बाद में भी हैंड वॉशिंग करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। और यूज सपोर्टेड ब्रा, सपोर्टेड ब्रा का यूज करें। और यूज पेनिसिलिन ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूज पेनिसिलिन जो ड्रग है उसका यूज करना। यूज एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक ड्रग का यूज करना है। यूज एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक ड्रग का यूज करना है। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बेलेंस है उसको मेंटेन करना है। कंटिन्यू फीडिंग, कंटिन्यू फीडिंग प्रोवाइड करनी है, रेगुलर केयर करनी है। इसके बाद में मेंटेन हाइजेनिक कंडीशन, और हाइजेनिक कंडीशन को मेंटेन करना है। अब है लास्ट का टॉपिक है अपना आज का, लैक्टेशन फेलियर, कि लैक्टेशन फेलियर क्या होता है। तो सिंपल सा है लैक्टेशन फेलियर, इट इज ए एबनॉर्मल कंडीशन, यह एक प्रकार की एबनॉर्मल कंडीशन होती है। डोंट मिल्क फॉर्मेशन, इसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब लैक्टेशन फेलियर। लैक्टेशन किसको बोलते हैं, लैक्टेशन वुमन किसको बोलते हैं, जो मदर फीडिंग करवाती है, और फेलियर का अर्थ होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाना। तो यह भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है, मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता है। और डेवलप बैरियर इन लैक्टेशन, और लैक्टेशन के अंदर बैरियर डेवलप हो जाता है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। और क्या क्या हो सकते हैं, एटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है इसकी, एटियोलॉजी की बात करें तो वही कॉजेज है या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो एटियोलॉजी की बात करें तो इनफ्रीक्वेंट फीडिंग, मतलब इनफ्रीक्वेंट यानी अपर्याप्त जो फीडिंग करवाई जाती है उसकी वजह से हो सकता है। मास्टाइटिस, इंफ्लेमेशन या इन्फेक्शन इन टू ब्रेस्ट, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये चीजें याद हो जाए, जो टर्म है वो याद हो जाए। मास्टाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन या इंफ्लेमेशन इन टू ब्रेस्ट। डिप्रेस मदर, डिप्रेस यानी डिप्रेशन में गई हुई मदर। ब्रेस्ट एप्सिस, ब्रेस्ट एप्सिस अभी बताया था मैंने, पस फॉर्मेशन इनटू ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर पस फॉर्मेशन हो जाना क्या कहलाता है, ब्रेस्ट एप्सिस। एबनॉर्मल निप्पल, एबनॉर्मल निप्पल की वजह से भी हो सकता है। एनीमिया इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में अगर एनीमिया है उसकी वजह से भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है। माल न्यूट्रिशन के कारण भी लैक्टेशन फेलियर वाली कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ये क्या होता है, क्लेफ्ट लिप क्या होता है, अभी मैं आपके सामने एक पिक है वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लेफ्ट लिप वाली कंडीशन। पैलेट भी है, पैलेट का अर्थ होता है रूप ऑफ टंग, टंग की जो रूप है छत है उसके अंदर अपन को क्लेफ्ट यानी छेद, छेद या एबनॉर्मलिटी अपन को देखने को मिलती है। तो ये जो आपको पिक दिखाई दे रहा है एक नन्हे से नन्हे मुन्ने बच्चे का, तो इसके क्लेफ्ट लिप हुआ है, मतलब लिप्ट उसका फटा हुआ है, लिप है वो फटा हुआ है। तो अपन को इस प्रकार से ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो अपन उसी वापस ट्रैक पर हैं, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। अपन आपने एक सिंपल सा एक इमेज था वो देखा आपने, अब है अपन पढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
लैक्टेशन फेलियर, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी के कारण भी अपन को लैक्टेशन फेलियर देखने को मिल सकता है। यूज ऑफ ब्रोमोक्रेप्टिन ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्रोमोक्रेप्टिन ड्रग आती है और वह क्या करती है, ब्रोमोक्रेप्टिन जो ड्रग होती है वो क्या करती है, जो लैक्टेशन है उसको कम करती है। लैक्टेशन को कम करने वाली ड्रग कौन सी है, ब्रोमोक्रिप्टिन, तो ये अपन को अवॉइड करनी है। ब्रेस्ट ट्यूमर इसकी वजह से भी हो सकता है, यूज ऑफ डायूरेटिक्स, डायूरेटिक अगर ड्रग दे रहे हैं, डायूरेटिक ड्रग कौन कौन सी होती है सबको पता होगी, डायूरेटिक मतलब यूरिन को लाने वाली, यूरिन को बढ़ाने वाली, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने वाली, पहले यह डेस्ट प्रोसेमाइड हो सकती है, लेसिक्स बोलते हैं जिसे अपन, प्रोसेमाइड हो सकती है, मैनिटोल हो सकती है, तो यहाँ तक समझ में। और अपन अगर एक चीज और बात करें, अगर एंटी डायूरेटिक ड्रग की बात करें तो कौन बता सकता है एंटी डायूरेटिक ड्रग कौन सी होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको देता हूँ मैं 10 सेकंड का समय, आपका टाइम फिनिश हुआ है। तो एंटी डायूरेटिक ड्रग जो होती है वो डेस्मोप्रेसिन होती है, कौन सी होती है, डेस्मोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन जो ड्रग होती है वो होती है एंटी डायूरेटिक ड्रग। डायूरेटिक ड्रग आप सबको पता ही है, नॉर्मली काम करते हो वार्ड में तो अपन को लेसिक्स देखने को मिल ही जाता है, स्टोन वाले पेशेंट को भी लेसिक्स लगाया जाता है। अब है मैनेजमेंट, लैक्टेशन फेलियर पेशेंट है अपने पास, उसका अपन क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। ड्यूरिंग एएनसी ब्रेस्ट रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन गिव, इस लाइन का सिंपल सा मीन है कि जब वुमन एएनसी विजिट पर आती है तभी उसको अपन जो ब्रेस्ट रिलेटेड जो हेल्थ एजुकेशन है, ब्रेस्ट ब्रीडिंग किस प्रकार से करवानी है, ब्रेस्ट की क्लीनिंग या केयर किस प्रकार से करनी है, वो सारी की सारी हेल्थ एजुकेशन उसको ड्यूरिंग एएनसी विजिट पर जब आती है तभी अपन को दे देनी चाहिए। तो अपन इस वजह से इस प्रकार से भी ये रोक सकते हैं, लैक्टेशन फेलियर वाली कंडीशन को रोक सकते हैं। और इन प्रेगनेंसी प्लेट और इन्वर्टेड निपल देन होल्ड एंड पुल, इसका सिंपल सा मीन है कि प्रेगनेंसी के अंदर निपल है वह अगर फ्लैट है या इन्वर्टेड है तो क्या करना है, उनको पकड़ना है और खींचना है बाहर की तरफ, खींचना है तो उसको एक्सपेल आउट करना है, मतलब कुछ खींचना है बाहर निपल्स को। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन थी, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। इफ इन्फेक्शन प्रेजेंट देन अर्ली ट्रीटमेंट, और अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो अपन को अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। इफ एनीमिया प्रेजेंट देन आयरन सप्लीमेंट्री, और अगर एनीमिया प्रेजेंट है तो आयरन सप्लीमेंट्री प्रोवाइड करना है। लिक्विड डाइट प्रोवाइड करनी है, लिक्विड डाइट देनी है पेशेंट को, और एनाल्जेसिक ड्रग का यूज करना है, एंटीबायोटिक ड्रग का यूज करना है। एनाल्जेसिक के अंदर अपन डाइक्लोफेनिक यूज कर सकते हैं, डाइक्लोफेनिक प्लस पीसीएम एसिक्लोफेनिक वाली, और एंटीबायोटिक के अंदर अपन टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं, सिफोटॉक्सिम यूज कर सकते हैं, सिफिक्सिम यूज कर सकते हैं। मिल्क फॉर्मेशन ड्रग कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मिल्क फॉर्मेशन को बढ़ाती है वह एक तो है, पहला तो है एमसीपी, दूसरा है सल्फोक्साइड। पहला है एमसीपी आप सबने देखा ही होगा, नॉर्मली यूज आता है एमसीपी एंड मेटोक्लोप्रोमाइड, तो यह मिल्क फॉर्मेशन को भी बढ़ाती है। सल्फोक्साइड भी मिल्क फॉर्मेशन को बढ़ाती है। और ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 to 3 hours, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अभी कि 2 to 3 hours में, एवरी यानी प्रति 2 to 3 hours के अंदर अपन को ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करवानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है मदर को।
ये भी अपन को एजुकेट करना है मदर को, मतलब हेल्थ एजुकेशन देनी है। इस प्रकार से अपन एजुकेशन देकर अपन ये कर सकते हैं मैनेजमेंट परपरियम पीरियड का। तो आज की हमारी जर्नी यहीं तक थी, और आप सभी को मैं एक बार फिर से बता दूं कि जिस जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है क्लास को, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और मेवाड़ ई नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन थ्योरी वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं। मैंने पहले भी बताई थी ये लाइन, वापस बता रहा हूँ, 26 वीडियो ओबीजी नर्सिंग के अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और सिंपल सा है उसको कैरी ऑन करने का, प्ले स्टोर पर सॉरी यूट्यूब पर जाइएगा, यूट्यूब पर जाने के बाद में आप प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा, जो मेवाड़ ई नर्सिंग है यूट्यूब चैनल, वहाँ पर मेवाड़ ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल लिखिएगा, उसके बाद में आप ओबीजी नर्सिंग लिखिएगा, उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट पर जाइएगा, तो सारे के सारे ओबीजी नर्सिंग के वीडियो आपके सामने दिखेंगे, 25 के 25 वीडियो आपको दिखेंगे, और आज सहित 26 वीडियो हो चुके हैं। तो क्लास को लाइक करते रहें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, हमेशा खुश रहें और माँ बाप की रेस्पेक्ट करते रहें।